स्कूल लेवल पर कोऑर्डिनेट एक्टिविटी हमारा खत्म हो गया, जिनका अभी भी स्कूल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, एनसीईआरटी, आरएसएस वाला डिसर्मा के सीना, ये सब जरूर बनाते रहो। बाकी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि सर्कल पे किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है। टू बी फेयर क्या क्या कह रहा है, सी जो है एक सर्कल का नाम है, उसका सेंटर दिया हुआ कितना 1 1 और रेडियस दिया हुआ कितना 1 यूनिट है। If T is the circle centered at 0, y, passing through the origin and touching the circle C externally, then radius of T is T. हाँ, T is the circle, अच्छा, radius of T is, ठीक है? कुछ लोग डायग्राम बनाना शुरू किए, बहुत अच्छी बात है डायग्राम बना रहे हो, बट क्या नहीं कर रहे हो, डायग्राम तो बना रहे हो बट चैप्टर का नाम भूल जा रहे हो। चैप्टर का नाम सर्कल नहीं है, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। प्लॉट कोऑर्डिनेट के हिसाब से करो, अपने मर्जी से मत प्लॉट करो, नहीं बन पाएगा। आप लोग 9th क्लास का सर्कल के क्लास में नहीं, एरिया निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, जैस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से प्लॉट नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा, यही अंतर है। सर्कल चैप्टर का नाम नहीं है, सर्कल 9th में पढ़ चुके हैं, सर्कल 8th में पढ़ चुके हैं, सर्कल 10th में पढ़ चुके हैं, अभी चैप्टर का नाम सर्कल नहीं है, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है। थोड़ा बताओ क्या क्या होगा, अब बताओ क्या क्या है। एक सर्कल है, उसका सेंटर दिया हुआ 1 1 और रेडियस दिया हुआ 1 यूनिट, अब बताओ कैसा डायग्राम बनेगा। सेंटर है 1 1 और रेडियस भी जो है वो 1 यूनिट है, कैसे बनेगा बताओ। सेंटर भी है 1 1, सेंटर मतलब यहां पर 1 1 है और रेडियस भी 1 है, रेडियस भी 1 है, इसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता हुआ, ये आया बात समझ में? ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा, एकदम कंपलसरी है, तभी इसका सेंटर, इसका सेंटर का कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ओ सर्कल का नाम सी है, ये कोऑर्डिनेट 1 1 है और रेडियस भी 1 है, यहां से ही पता चल रहा है ये 1 कब हो सकता है, ये 1 कब हो सकता है, बोलो बेटर का कुछ नहीं मिलेगा, ये 1 तभी हो सकता है जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होता, अदरवाइज नहीं बनेगा, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया पहला डायग्राम, दूसरा भी बाकी है, एक और सर्कल है जिसका नाम टी है, सेंटर 0, y है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास, आप ही लोग बताइए, ओरिजिन से पास और 0, y, ओरिजिन से पास 0, y यहां पर कहीं होगा, ओरिजिन से पास और भी कुछ है, ये इस सर्कल को एक्सटर्नली एक जगह पर केवल टच कर रहा है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला सर्कल, बोलो आ रहे समझ में, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। किन्हीं को अगर डिस्कशन करना है कि ये भी बन सकता है वो भी बन सकता है तो मैं बोल रहा हूं डिस्कशन कर लो, क्योंकि मैं ही थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं बिना डायग्राम बनाए हुए बिना कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको प्लॉट किए क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, सर्कल नहीं पढ़ रहे, सर्कल पढ़ते तो बन जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बिना कोऑर्डिनेट प्लॉट के आंसर नहीं आएगा। सर्कल का क्लास होता 9th 10th का तो कहीं भी कुछ भी बना लेते आंसर आ जाता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे, सर्कल नहीं चैप्टर का नाम, इसका कोऑर्डिनेट दिया था कितना 0, y, टचिंग ओरिजिन था ना, ओरिजिन को टच और इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये हो गया बाकी, ये हमारा डायग्राम हो गया, इस सर्कल का नाम टी है और इतने डेटा से हमें क्या निकालना है, इस सर्कल का रेडियस निकालना। अच्छा 0, y का मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे, 0, y का मतलब क्या हो गया, 0, y इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया ये, और ये वाई क्या हो गया इसका रेडियस, डायमीटर बोल रहा है, अरे समझ में, मतलब इसका रेडियस भी वाई होता, इसको हम लोग यहां से ज्वाइन कर देते हमारा काम बन जाएगा, इसका रेडियस कितना है और इसका रेडियस वाई है, क्योंकि यहां से वाई है तो ये रेडियस तो वाई रह जाता। अब यहां से देखो ओ ओ डैश का दूरी कितना हो गया, यहां से यहां तक का दूरी, और डिस्टेंस फॉर्मूला इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 1 - 0 2 x2 - x1 2 +1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y +1, कितना हो गया, दिस इज लाइक अंडर रूट 1 + 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y +1, अरे समझ,
ब्रैकेट के अंदर अंदर खोलेंगे कितना बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, अरे समझ, वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, 1 से 1 गेट कैंसिल, 2y 2y 4y बराबर 1, देयरफॉर y की वैल्यू इज 1 by 4, और y क्या है, y जो है वो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस ही हो जाएगा, सो दिस इज लाइक 1 by 4, और ये है पहले आप लोग जो सर्कल स्ट्रेट लाइन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जो लोग वीडियो के थ्रू चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले जो क्वेश्चन किया वो स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, जो लोग 10-11 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अलग नहीं होता है मेंस एनडीए स्कूल का क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं, एडवांस का क्वेश्चन अलग है क्योंकि उसमें टॉपिक ही अलग है, बाकी मेंस स्कूल एनडीए का क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि लो भाई टॉपिक ही अलग है, बट तरीका थोड़ा सा अलग है, इस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये स्कूल एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि टफ है, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो स्कूल एग्जाम में आ जाता है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है स्कूल एग्जामिनेशन से। फिलहाल तो ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2014, बिना कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हुए सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से, एक चीज आप लोगों में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि बस ऐसे ही कुछ भी डायग्राम बना देने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जो चीज बोल रहा है वही बनाना होगा, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1, 0, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, कैसा डायग्राम बना है, टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1, 0 पर टच कर रहा है, ऐसा 2, 2 के ऊपर नहीं, ऊपर का बटन है, ऊपर नहीं बना रहा, ठीक है, और यह बात ऊपर बनेगा, पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 से भी जाता है, यही ना, 1, 0 को टच करता है, नाम कुछ दिया हुआ नहीं है वो मान लेते हैं, 1, 0 पर है और 2, 3 पर भी जाता है, मतलब इसमें कहीं होगा 2, 3, मेरे को नहीं पता कहां पर, मान लेते हैं यहां पर है, तो कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं इधर, चलो तो क्या बताना क्या है इसका डायमीटर कैसे बनाओगे, सेंटर को x कॉमा y, अच्छा रेडियस रेडियस निकालने का ट्राई किया जाए, करके देखो, इधर से भी रेडियस, तो उसको कंपेयर करके क्या है, कुछ नहीं आएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसमें इक्वेशन पुट करेंगे कोऑर्डिनेट 2, 3, निकाल के देखो, जो गेम है वो समझ नहीं पाए आप लोग, फिर सेंटर का कोऑर्डिनेट आप लोग एक्स वाई लिए है ना, एच के ले लो कट जाएगा दोनों तरफ, करके देखे होगे वो कट जा रहा होगा, 1 इक्वल टू 1 आ जा रहा होगा, कहां गलती कर रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो इसका क्या काम है, ये सोच ही नहीं रहे हो इसका क्या काम है, वो सोच ही नहीं रहे हो इसका क्या काम है, टच कर रहा है का काम है, टच करने का मतलब क्या हुआ, ये इसको टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो सेम होगा, टच करने का मतलब यही हो रहा है, यहां से यहां तक का जो दूरी और यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट विल बी सेम, अरे बात समझ में, इसका दोनों वेरिएबल नहीं एक वेरिएबल 1, y ऐसे मानने पर काम चलेगा, अरे बात समझ में, अब काम बन जाना चाहिए, अब करके देखो, ये दोनों तो रेडियस बोल रहे हो ना, तो ओपी बराबर ओए, अब बताओ कितना होगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1, 0, और ये जो है वो वाई स्क्वायर के रूप में, मतलब वाई हो गया, मतलब एक तरफ से इसका रेडियस ही पता चल रहा है, इसका रेडियस ही वाई हो जा रहा है, समझ में, ये है टच वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इसका तो रेडियस ही पता चल गया वाई है, इसका तो रेडियस ही पता चल गया कि वाई है, अब करना ही क्या, तो हो गया इसका रेडियस ही वाई है,
करो तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस y इज इक्वल टू दिस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y कितना हो गया, y स्क्वायर कट जाता 6y बराबर 10, y बराबर 10/6, y बराबर 5/3 और यही जो 5/3 है वो क्या हो रहा है, वही सर्कल का रेडियस वगैरह डायमीटर पूछा था आया मजा क्वेश्चन में कि नहीं ये बताओ, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो क्वेश्चन उलझता चला जाएगा, सॉल्वल नहीं होगा। पांच क्वेश्चन सेशन के स्टार्टिंग से गिन रहे हम लोग कि जेई मेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोग जेई मेंस क्लियर कर जाएंगे अपीयरिंग में, बट वो 5 बनेगा कैसे वो भी तो सोचना है, गिनने से थोड़ी बनेगा कि 5 इसका हो गया, 3 हो गया, एपीजीपी का 5 3 8 हमारा 11 से हो रहा है, हम अपीयरिंग में निकल रहे हैं, गिनने पर उंगली पे थोड़ी हो जाएगा, बनाना भी आना चाहिए। कोऑर्डिनेट में ये जो टच वच एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा ध्यान में देना कि क्यों लिख रहा है टच द एक्स एक्सिस, उसका काम था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ट्रिपल 2012 का, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी रेंज का क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं प्लॉट कर पाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, चाहे कितना भी फॉर्मूला लगा लो, कितना फॉर्मूला तो है ही नहीं, ऐसे ये वाला कुछ नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, उल्टा सीधा करते रह जाओगे, कॉपी भरते रहेगा, आंसर नहीं आएगा, अगर कोऑर्डिनेट का प्लॉटिंग ठीक नहीं हुआ तो एटलीस्ट जेई और एनडीए के क्वेश्चन में, स्कूल वाला क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर करने पर फॉर्मूला में डालने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक नोट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, तो उससे पहले कुछ बातें थोड़ा रिकॉल करेंगे, 8, 9, 10 में पढ़े थे, एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं, एक ट्राइंगल का जहां पर तीनों बोलो, एक ट्राइंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री जहां पर टच करता हो, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री जहां पर टच करता हो उसको हम लोग क्या कहते थे, दैट वॉज नोन एज ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर, नहीं याद होगा तो कहीं पर लिख लेना, ऑर्थो सेंटर बता दिए तुम लोग, अब बताओ सेंट्रोइड किसको कहते हैं, सेंट्रोइड तो फेमस है, तीनों मीडियन, एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन, एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन, एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन, मीडियन है यहां पर टच करे उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड, और ये हम लोग बचपन में पढ़े थे 5 क्लास में कि ये जो है वो 2:1 रेशियो पर रहता है, 10th में भी पढ़े हैं, मतलब ये तो हमें मालूम ही है, ये मत सोचना कि ये अभी पढ़ाने वाला हूं, ये हमें मालूम है एक्चुअली, ठीक है, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर जहां पर तीनों परपेंडिकुलर मीट किया है ना, और ये हमारा सेंट्रोइड जहां पर तीनों मीडियन, और क्लास 9 में पढ़े थे एक ट्राइंगल जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर मिले, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर जहां पर मिले, परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और बायसेक्टर भी, याद आ रहा है, परपेंडिकुलर भी बायसेक्टर भी, उसको हम लोग कहते थे सर्कम सेंटर, याद है इसको सर्कम सेंटर क्यों कहते थे, क्योंकि यहां ये सर्कम सेंटर है, यहां से ए या बी या फिर सी, नहीं तो पढ़ना तैयार होगा, तीनों में से किसी को भी रेडियस मान करके सर्कल घुमाएंगे तो ये तीनों को टच करते हुए निकल जाएगा, बहुत सारे चैप्टर में पढ़े हैं कंस्ट्रक्शन में, सर्कल में, एरिया रिलेटेड भी सर्कल सेक्टर में, तो इसको याद रखना पड़ता है, तो तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पर कट करे, ऑल्टीट्यूड जहां पर कट करे उसको हम लोग कहते थे ऑर्थो सेंटर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप लोग, फुल कट में लिख लो अगर याद नहीं है तो, ऐसे में भी लिखना ही पड़ेगा, तीनों मीडियन जहां पर टच कर जाए, दिस इज सेंटरोइड, ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर टच कर जाए उसको हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अब अगर ये तीनों एक ही लाइन पर अगर प्लॉट करें, एक ही लाइन पर अगर तीनों को प्लॉट किया जाए, ऑर्थो सेंटर को, सेंटरॉइड को और सर्कम सेंटर को, ये सर्कम सेंटर है, ये सेंटरॉइड है और ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर
सेंटरॉइड बनाते भी रहो, ऑर्थो सेंटर हो गया और सेंटरॉइड और सर्कम सेंटर तीनों को अगर एक ही पॉइंट पर प्लॉट करें तो ये वाला जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 2:1। ये थिंग्स रिमेम्बर, ये हमें नहीं मालूम था और ये बाई कंस्ट्रक्शन ही वेरीफाइड है, आपको प्रूफिंग करने का जरूरत नहीं है, ये डेटा याद रखेंगे। अभी तक तो आपको ये मालूम था ना, सेंटरॉइड अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता, ये तो बहुत पहले से मालूम था। अब किसी एक ही लाइन पर अगर ऑर्थो सेंटरॉइड और सर्कम सेंटर तीनों को अगर एक स्ट्रेट लाइन में स्लॉट कर दिया जाए तो इसके बीच का रेशियो भी जो होता है वो 2:1 का ही होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, थिंग्स टू रिमेम्बर है, इसको याद रखेंगे, फिर अगला वाला क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, करो नोट। एक लाइन बनाएंगे उसमें ऑर्थो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होता है जो रिपीट कर जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस एंड एनडीए, रिपीटेड क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सेंटरॉइड दिया हुआ है और सर्कम सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या देता है, -3.5, सेंटरॉइड का 3.3। ठीक है, वैसे इसका नाम ए बी और सी करके दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत करना, अभी हम लोग ऑर्थो सेंटर, सेंटरॉइड और सर्कम सेंटर लिखे, बाद में देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, फिर रोहित का है, एच के मान लेते हैं, ये रेशियो है 2:1, एक्स वाई मान लेते हैं, x1 y1। ठीक है, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला हमें याद है ना, क्लास 9th में 10th में आप लोग पढ़े थे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये m1 into रेशियो है ना, ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये x2 y2 और ये होता था xy और ये होता था m1 m2 और फॉर्मूला याद होगा, x बराबर होता था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y बराबर होता था m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज लाइक 2 into x2 1 into -3 भाई, m1 प्लस m2 इज 3 है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ था 3, कितना हो गया 2x2 -3 बराबर 9, 2x2 बराबर 12, तो x2 का कोऑर्डिनेट 6 आया है, हाँ आ गया, और यहां से फिर 3 2 y2 1 5 3 फिर 9 2y2 प्लस 5 2y2 बराबर 4, इससे y2 का कोऑर्डिनेट जो है वो 2 आ गया, तो कर लिए। ठीक है, अब तो उसके बाद तो और आसान है, अब एक सर्कल बनाना है जिसका AC, अब A हमारा एक्चुअली में A ऑर्थो सेंटर वाला था, देख क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑर्थो सेंटर का नाम A दिया हुआ, मतलब जो तुम ऑर्थो सेंटर लिखे उसका नाम क्वेश्चन में A दिया हुआ है और सर्कम सेंटर का नाम C ही दिया हुआ है, मतलब अब एक सर्कल बना हुआ ऐसा इधर लिखने पर आ जाएगा बस। इसका A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, A का कोऑर्डिनेट इसका हो गया -3, 5 और सी, यही सी ही था, इसका कुछ सेंटर होगा, ओ डैश नाम मान लेते, काम नहीं पड़ेगा, दिस इज ये निकाले अभी 6.2, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा AC, इसका जो डायमीटर निकला दिस इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, सो दिस इज लाइक कितना हो गया 81 प्लस 9 रूट 90, रूट 90 इज 3√10, ये डायमीटर है, इसका रेडियस चाहिए, कितना हो जाएगा 3√10/2, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है बट डी वाले ऑप्शन को थोड़ा मैनिपुलेट करने पर शायद दिखेगा, D 3√5/√2 इसको स्लाइस करते तो √2/√2 ऊपर नीचे हो जाता, 3√10/2 हो सकता है, तो ये डी सही हो जाता है, ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और रिपीट मतलब मेंस 18 में लास्ट आया है, वैसे 5 बार कम से कम पूछा जा चुका है,
टेंथ में पहुंचते पहुंचने तक हमें ये चीज मालूम चला कि सेंट्रोइड अपने मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन में अगर लाई करवाया जाए तो इसके बीच का रेशियो 2:1 होता है। ये आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब सर्कल का प्रीवियस ईयर मतलब जेईई मेंस में सर्कल स्कूल का तो आप लोग पढ़े, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में सर्कल में इस रेंज का क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। रेडी।